हम 20,000 रुपए हार गए, अब क्या होगा? मैंने तो पहले कहा था। नहीं मिला पुनीत, मैं इतनी उम्मीद थी, मेरे को इतना अच्छा पैसा मिलना था उस प्रोजेक्ट के लिए, हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती। खोए हुए पैसे रिकवर करने का बस यही एक तरीका है, मतलब टोटल 25,000 रुपए का लॉस। मुझे नहीं पता, फोन मेरा जल्दी ढूंढो, मेरी एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है, मेरी मीटिंग है। मैं देखती हूँ। सुन, तूने मुझे जिस ऐप के बारे में बताया था ना, वो उस ऐप की तो बात ही मत कर। अनन्या, ये तो मेरी कपट से इतने सारे पैसे क्यों निकाल रहे हो? वो पापा, मुझे ना थोड़े पैसे की जरूरत थी इसलिए। थोड़े पैसे? ये थोड़े पैसे हैं? ये पूरे 50,000 रुपए हैं नाना। मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? वो एक्चुअली वो अनन्या, जो भी बात है हमें बताओ। अगर मैंने इन लोगों को सच बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कोई बहाने ही मार लेती हूँ। अनन्या, मुझे ठीक से बताओ, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुमने क्यों लिए 50,000 रुपए? वो जो है ना, मेरी फ्रेंड सान्या, जो सान्या की दादी है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो सान्या कह रही थी अगर मैं उनके लिए कोई पैसे अरेंज कर सकूं तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बेटा, अगर यही बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, अपने फ्रेंड की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुसीबत के टाइम पे दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तुम अपनी फ्रेंड से बात करो, सानिया से, उनसे पूछो कि उन्हें कितने पैसों की जरूरत है, मेरे से जो मैक्सिमम बन पड़ेगा मैं उनकी मदद करूंगा। अरे रमीक, आप ऐसा करो ना, आप सानिया के पापा से खुद ही बात कर लो और उनसे पूछ लो उनको कितने पैसों की जरूरत है। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? वो उसके पापा ना हॉस्पिटल में होते हैं तो वो फोन नहीं उठा पाएंगे। हाँ, ये बात भी है। तो ऐसा करें, हम उनके घर ही चलते हैं सानिया के, और तो तुम उनको अपने हाथ से खुद ही पैसे दे देना। नहीं पापा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे खुद कैसे चली जाओगी, तुम खुद इतनी छोटी हो, अकेली कैसे जाओगी? कल सुबह पापा के साथ चली जाना। ओके। ये नान्या कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रही? हाँ, लगा तो मुझे भी ऐसे ही, बट शायद सानिया के लिए परेशान हो। नहीं यार, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अब पापा के पास ही पैसे हैं। अब मुझे कल जाना है उनके साथ सान्या के घर पैसे देने। अब हम क्या करें? मैं सान्या को कॉल करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी हमारे इस नाटक में हमारा साथ दे। हेलो सान्या, तूने अपने सर छुपाने के लिए मेरी दादी को बीमार कर दिया। आई एम सो सॉरी सान्या, पर उस टाइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और इस मुसीबत में मैंने सोचा बस तू ही है जो मेरा साथ दे सकती है। अब तो मुझसे क्या कराना चाहती है? कल मैं और पापा तेरे घर आ रहे हैं, देखो 50,000 रुपए देने। ओके, तू उसके बाद वो 50,000 रुपए रख लियो, और उसके बाद मैं तुझसे वो 50,000 रुपए लेने आ जाऊंगी। ठीक है। दीदी दीदी दीदी, अभी मैंने मामा पापा को बात करते हुए सुना, पापा ने अपने बैंक के पोर्टल में कोई क्वेरी डाली है। क्या क्या क्या? हाँ, और अब अगर उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर ली तो बहुत बुरा होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दीदी, आप सानिया दीदी को कॉल करके बोल दो कि हम आज ही पैसे लेने आ रहे हैं। हाँ बोल तो दूंगी, पर पैसे लेने जाएंगे कब? ट्यूशन बंक करके। ठीक है।
मेरे फोन से कॉल करके ट्राई करो। हेलो सान्या। कौन? अनान्या। ओ अनान्या, हाँ बोल। जो मैंने ते को उस दिन 50,000 रुपए दिए थे ना, वो तो निकाल के रख लियो। मैं और मेरी सिस्टर आज लेने आएंगे। कौन से 50,000 रुपए? कौन से 50,000 रुपए? कौन से 50,000 रुपए? तुमने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। सान्या, ये तो क्या कह रही है? मेरे पैसे कहाँ हैं? वो मेरे मम्मा पापा को दे रही है। मैंने उन्हें ये बोल के दिया कि मैंने ये पैसे गेम में जीते हैं और मेरे सारा लॉस रिकवर हो गया। क्या हुआ दीदी? सुनाया, हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। Later. हेलो। हेलो सर, मैं बैंक से आपका रिलेशनशिप मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, हमारे पोर्टल पे आपकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, आपको कुछ डिस्कस करना है। अरे हाँ, क्या आप मुझे मेरे लास्ट मंथ की ट्रांजैक्शंस की डिटेल दे सकते हो? श्योर सर। सो आपकी लास्ट मंथ की ट्रांजैक्शंस कुछ इस तरह है। क्या मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए डिडक्ट हुए? लेकिन मैंने तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की। बट सर, आपकी सारी ट्रांजैक्शंस ओटीपी की हेल्प से ही हुई हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी ने की हो। लेटर। रमनीक, मेरे को ना शायद पता ही ट्रांजैक्शन किसने करी है। किसने करी है? आप एक बारी ना सान्या के पापा को कॉल करके कंफर्म करो कि उसकी दादी की तबीयत सच में खराब है। पुनीत, तुम अनान्या पे शक कर रही हो। रमनीक, आई होप मैं गलत हूँ, मेरा शक गलत हो, मगर आप अभी कॉल करो, करो ना प्लीज, कॉल करो। ठीक है। हेलो। लेटर। अनान्या, शनाया, अनान्या। हाँ जी पापा। हाँ जी अनान्या, पहले तुमने 50,000 रुपए अपनी गेम में गवा दिए और अब 50,000 रुपए तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारे साथ फ्रॉड करके रख लिए। सान्या के पापा की तो कोई बात नहीं, सान्या के पापा से मैं बात करके 50,000 रुपए तो वापस ले लूंगा, लेकिन वो गेम के पैसे? अरे बच्चों, वो गेम नहीं, वो एक जुआ है, जुआ। लेकिन पापा, हमें लगा कि हम गेम खेल के पैसे कमाएंगे, फिर हम अपनी पसंद की चीजें खरीदेंगे। हाँ जी, हमारी फैंस के पास इतने सुंदर सुंदर एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गेम्स है, ड्रेसेस है, पर वो सब कुछ लेने के लिए आपने तो हमें मना ही कर दिया। बेटा, जरूरी थोड़ी है जो किसी और के पास हो वो तुम्हारे पास भी हो, और अगर तुम पैसे कमाना ही चाहते थे तो जुआ खेल के क्यों, कोई अच्छा काम करके किसी और तरीके से पैसा कमा लेते। लेकिन पापा, हमें लगा है पैसे कमाने का इजी तरीका है। शनाया बेटा, पैसे कमाने का कोई भी इजी तरीका नहीं होता। तुम लोगों ने पापा को नहीं देखा कितनी मेहनत करते हैं, रात रात भर बैठ के अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राई करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार वह प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है, पर कोई बात नहीं, फिर दोबारा से नई प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करते हैं। और बेटा, ये सारी गेम्स एक जुआ है, जुआ। ये तुमको पहले लालच देके गेम में लेकर आते हैं, और अगर तुम एक बार गेम में आ जाओ तो तुम थोड़े पैसे जीत जाते हो, और अगर तुम थोड़े पैसे जीत जाओ तो फिर तुम्हें लालच आता है कि तुम ज्यादा पैसे जीतो, और अगर तुम पैसे हार जाओ तो फिर तुम सोचते हो कि हमारे पैसे रिकवर कैसे होंगे। बेटा, ये जुआ है, जुआ। ये जुआ किसी का ना हुआ। वी आर रियली सॉरी पापा, हम आगे से ये गेम कभी नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट अब मैं अपने फोन से गेम डिलीट ही कर दूंगी। ये हुई ना बात।
थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्या वर्सेस शनाया हैंड राइटिंग चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस देखना नहीं है कौन जीता, फैसला करो। मेरी हनानी ज्यादा अच्छी थी। नहीं मेरी अरे देखने के लिए किसकी अच्छी थी, क्लिक किया।